इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर हम स्टार्ट मेन्यू के जितने भी ऑप्शंस रहते हैं उनको कैसे हम जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज़ की सेटिंग्स को हम कैसे ला सकते हैं अपने पीसी विंडोज 7 के अंदर। तो आप जो अगर ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके लिए जो है हमें कस्टमाइज स्टार्ट मेन्यू को कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पर अपने पीसी के स्टार्ट ऑप्शंस पर जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन दिखाई देगा, ये रहा यहाँ पर। तो कंट्रोल पैनल पर भी आपको चले जाना है। जैसे ही आप कंट्रोल पैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बार एंड मैन स्टार्ट मेन्यू का ऑप्शन दिखाई देता है यहाँ पर, इस पर आपको जाना होगा। जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको पहले इस प्रॉपर्टी को, जो यहाँ पर इस टेक्स्ट बार एंड स्टार्ट मेन्यू की प्रॉपर्टी आ रही है, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देख रहे हैं स्टार्ट मेन्यू वाला ऑप्शन, इस पर जाना होगा। और जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखवाएगा टू कस्टमाइज हाउ लिंक्स आइकन्स मेन्यू लुक एंड, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, कस्टमाइज पर क्लिक करना है। एंड देन कस्टमाइज पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको सारे बटन्स दिख जाएंगे। अब जो जो आपको लिंक्स चाहिए वो यहाँ पर आप नीचे टिक करते हुए चले जाइए, डोंट सर्च वगैरह, जिस तरीके की आपको सेटिंग्स चाहिए, एंड देन एंड में से ओके कर दीजिए। तो जितना भी यहाँ पर आपको ऑप्शंस होगा वो कस्टमाइज हो जाएगा आपके हिसाब से, और उसके बाद आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं अपनी सेटिंग के मुताबिक। तो ये प्रोसेस है इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।